हरि ओम. मेरा नाम मोनिकावीरा पेटकर है. आई एम फ्रॉम शारजा उपासना केंद्र. कोल्हापुर के पास एक छोटा गांव है निपानी, उधर से हूँ. और मेरा ससुराल वीटा है सांगली के पास. हम शारजा में लास्ट 19 ईयर से रह रहे हैं. और वहाँ हमें कैसे बापू के अनुभव आते रहते हैं. तो ये तो गायत्री उत्सव जब था तो उस टाइम मुझे उत्सव के लिए आना था. तो उस टाइम मतलब 3 दिन का उत्सव था और मुझे 1 दिन पहले यहाँ आना था. तो बुकिंग वगैरह मैंने 1 महीने पहले ही किया हुआ था. लेकिन मैं जब वहाँ गई तो उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ वेट करो. तो मैंने बोला कि क्यों, मैंने तो 1 महीने पहले बुकिंग की है और मुझे क्यों आप वेट करने के लिए बोल रहे हो. तो उन्होंने बोला कि शारजा इंडिया गवर्नमेंट से हमको रिस्ट्रिक्शंस आई है और हम लिमिटेड सीट्स ही ले जा सकते हैं. तो मैंने बोला क्यों मुझे, लेकिन मुझे कैसे भी करके जाना है, प्लीज़ आप मुझे भेजो, मुझे एक रिलीजियस फंक्शन के लिए जाना है उधर. तो उन्होंने बोला कि वो उधर का मैनेजर जो था तो उन्होंने बोला कि मैडम यहाँ आप वेट करो, हम आपको बुलाएंगे. तो मैंने बोला प्लीज़ मुझे पहले आप बुलाओ, लेकिन मुझे कैसे भी करके मुझे जाना है. तो उन्होंने बोला प्लीज़ आप यहाँ वेट करो. तो वहाँ उस टाइम तो कुछ मुझे मेरे हस्बैंड बाहर से मुझे पूछ रहे थे कि क्या हुआ, तुमको क्यों नहीं छोड़ रहे. उस टाइम मोबाइल की कुछ फैसिलिटी नहीं थी ना. तो उस टाइम वो मैंने उनको ऐसे ही बाहर से बोल दिया कि देखते हैं ठहरो. तो वो भी बाहर खड़े रहे, मेरा वेट करते रहे, क्यों इसको भेज नहीं रहे. उसको कुछ पता नहीं चल रहा था. तो मैं वेट करती रही. उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया कि आप हम आपको एयर टिकट रिटर्न देते हैं, आप प्लीज़ रात की फ्लाइट से चले जाओ. तो मैंने बोला आप, तो उन्होंने मुझे बहुत सारा क्या क्या पूछा, आपको वाउचर्स मिलेंगे, ये मिलेंगे, प्लीज़ आप रात की फ़्लाइट से चले जाओ. तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे वाउचर्स नहीं चाहिए और मुझे आपका एयर टिकट भी नहीं चाहिए, लेकिन प्लीज़ मुझे आप कैसे भी करके यही फ्लाइट से भेज दो. और मैं बापू को बोलने लगी, बापू मुझे कैसे भी करके उत्सव को आना है, मुझे तुम लेने के लिए आ जाओ, प्लीज़ बापू कुछ तो करो, डू समथिंग बापू, डू समथिंग. ऐसे करके मैं बापू को पुकारने लगी. और मतलब उस टाइम मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था, सिर्फ बापू ही दिख रहा था. बाद में फ्लाइट की टेक ऑफ का टाइम हो गया. लेकिन मैं सिर्फ वॉच देख रही थी और उनके वो मैनेजर की तरफ देख रही थी. अभी तो 10 मिनट ही रह गए, अभी क्या करूँ मैं. ऐसे मतलब मैं इतनी टेंस हो गई, तो मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था. 2 मिनट के अंदर मुझे ऐसे आवाज़ आई, मिसिस पेटकर, मिसिस पेटकर. तो मैंने ऐसे देखा तो मुझे वो ऐसे हाथ से उन्होंने ये इशारा किया कि आप आ जाओ. तो मुझे इतना ये हुआ कि मुझे ये लेंगे करके इतनी मैं एक्साइट हो गई कि गई. तो उन्होंने बोला हाँ आपका लगेज डाल दो और चलो प्लीज़ जल्दी जाना, टेक ऑफ के लिए 10 मिनट्स बाकी है. मैं इतनी एक्साइट हो गई तो मैं भागते हुए चली गई, मतलब इमिग्रेशन की तरफ. मतलब मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था. मेरे बापू ने मेरे को बुलाया करके ऐसे. तो फ्लाइट में जाके बैठ गई. तो मेरे बाजू के जो पैसेंजर्स थे वो उधर के कुछ तो डायमंड डीलर्स थे. तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो. तो मैंने बोला हमारे बापूजी है ना मुंबई में, उनका फंक्शन है, गायत्री उत्सव है, उसके लिए मैं जा रही हूँ. तो उन्होंने बोला कि ये कौन है बापूजी, हमें बताएंगे क्या. तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया कि हमारे साई निवास, मतलब साई निवास का जो प्रकटीकरण है वो बापू का पूरा उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे हमारे बापू का प्रकटीकरण हुआ है, तो आप भी आ जाओ, आप तो मुंबई में रहते हो तो फिर क्यों नहीं आते हमारे बापू के पास, आप भी आ जाओ, उधर हर थर्सडे को प्रवचन रहता है. ऐसे मैंने उनके साथ ये किया. बाद में पायलट का जो अनाउंसमेंट रहता है ना, वो अनाउंसमेंट हो गई. गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम कैप्टन अनिरुद्ध. तो मैं ऐसे थक हो गई, मतलब मुझे तो रोना ही आ गया. मतलब मैं बाजू के जो पैसेंजर्स थे वो मुझे बोलने लगे, देखो आपके गुरु आपको लेने को आ गए. तो मैंने बोला हाँ, मैंने बापू को ऐसे ही बोला था कि बापू मुझे लेने को आ जाओ, और वो सचमुच मुझे लेने के लिए आ गया. मतलब देखो हम किधर भी हो, बापू बोलता है आप सात समंदर के पार हो, कहीं भी हो, समंदर में हो, पानी में हो, मतलब वो तो मुझे पायलट बन के लेने के लिए उधर आ गया.
मुझे इतनी खुशी हुई कि मतलब बापू मुझे खुद लेने के लिए आ गए, मेरा बापू मुझे लेने के लिए आ गया। मतलब बापू हमको प्रवचन में बताते हैं कि आप कहीं भी हो, मैं आप सात समंदर पार हो, कहीं भी हो, मतलब अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, बापू को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो हम सच्चे मन से उसको पुकारेंगे ना, वो आ ही जाता है। वैसे ही देखो, बापू मेरे लिए मेरा पायलट बन गया, मतलब अनिरुद्ध कैप्टन। तब से मैं जब भी एरोप्लेन में बैठती हूँ कि मुझे आस रहती है कि मुझे ये नाम फिर से सुनाई दे, लेकिन नहीं। लेकिन बापू उस टाइम मुझे लेने के लिए आ गए और मुझे, मतलब 7 बजे हम गायत्री उत्सव के लिए हमको उधर हाजिर रहना था। सिर्फ मेरे बापू की वजह से मैं वो उत्सव अटेंड कर सकी। श्री राम, हरिओम अम्बद ने बापू रवा, आई लव यू माई डैड।